मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज मैं अपने रसोई में लेकर आई हूँ भिंडी झांगा, जो कि बिहार का स्पेशल डिश है और इसको झांगा बोलते हैं। और बनाने का तरीका भी बिल्कुल अलग है, खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो आज मैं आपको अपनी रेसिपी आपके साथ में शेयर करूँगी और बताऊँगी भिंडी झांगा कैसे बनता है। तो सबसे पहले भिंडी झांगा बनाने के लिए ये सबसे पहले मैं भिंडी ली हूँ, और भिंडी को अगर भिंडी का लेंथ ज़्यादा है तो आप इसको 2 पीस में इस तरह से कट कर दीजिए, और छोटी भिंडी है तो आप सिंगल सिंगल करिए, इसको कट लगा देना है। इसका बीजा वगैरह कुछ भी नहीं निकालना है, सारी भिंडी को मैं धुल करके इसी तरह कट कर ली हूँ। और इसमें मसाले जो यूज़ होंगे वो है अमचूर पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सरसों, लहसुन, आटे का पाउडर और स्वाद अनुसार नमक, बेसन। और ये है सरसों, लहसुन और मिर्चा, जीरा और काली मिर्च का पेस्ट। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, सबसे पहले करना है जो भिंडी को मैं कट करके रखी हूँ, इस भिंडी में मुझे ऐड करना है सबसे पहले बेसन। तो मैं बेसन को इसमें डालूंगी, मैं बेसन को इसमें डालूंगी, और बेसन के साथ बेसन जो है मैं 4 से 5 टीस्पून डालूंगी, और इसी के साथ इसमें मैं मिलाऊंगी चावल का आटा। इससे बहुत ही कुरकुरे बनता है, क्रिस्पी बनता है। तो मैं 3 से 4 चम्मच इसको ऐड करूंगी। इसके बाद मैं ऐड करूंगी अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर मुझे ज़्यादा डालना है, ये 4 से 5 टीस्पून है, मैं सब डाल देती हूँ। और इसी के साथ मैं ऐड करूंगी हल्दी पाउडर, वन टीस्पून, और इसी के साथ मैं ऐड करूंगी लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, और इसके बाद मैं ऐड करूंगी जो सरसों लहसुन मिर्चा का मैं पेस्ट बनाई हूँ, इसको मैं ऐड कर दूंगी। और अब मैं लास्ट में ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक, स्वाद अनुसार नमक मैं डालूंगी। और इन सबको मैं अच्छे से मैश करूंगी, हाथों से आप इस सारे मिश्रण को अच्छे से मैश करिए, सारे भिंडी में लग जाने चाहिए, पानी नहीं मिलाना है, सिर्फ ऐसे मैश करना है इस तरह से। तवा गरम हो गया है तो अब हम इसमें सरसों तेल लगाएंगे। इसको ऐसे लगाना है, आप रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये झांगा जो बन रहा है ये सरसों तेल में बनेगा और तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है इसमें। और उसके बाद इसको मैं ऐसे सिम आंच पे रखूँगी, इस तरह से मैं फैला दूंगी। बिहार में इसको झांगा बोला जाता है, यूपी में इसको कुरकुरी भिंडी बोला जाता है,
अगर और कुछ आप लोग नाम जानते हो तो ज़रूर मुझे बताना। लेकिन बिहार का ये डिश है, इसको हम लोग झांगा बोलते हैं, और बहुत ही टेस्टी लगता है। डिफरेंट मसाला है इसमें, और इस तरह फैलाने के बाद इसको सिम आँच पे मुझे 1 से 2 मिनट तक, थोड़ी देर तक पकाना है। इसको ऐसे कर देंगे और फिर से थोड़ा सा तेल डालेंगे। फ्रेंड्स आप लोग देखिए, इस तरह से भिंडी को मैश कर देना है। और अब हम आते हैं गैस की तरफ, और इस पे मैं तवा रखी हूँ। तवा हीट हो रहा है मेरा, गर्म हो चुका है। तो अब मैं इसमें सरसों तेल डालूँगी। देखिए फ्रेंड्स, सिम आँच पे मैं पका रही हूँ, और इसको मैं धीरे से पलट दूंगी। आप देख सकते हैं और पलटने के बाद मैं फिर से इसको थोड़ी देर और सिम आँच पे पकाऊंगी ताकि ये दोनों तरफ से पक जाए। देखिए झांगा, इसको हम लोग झांगा बोलते हैं, और बिहार का ये भिंडी स्पेशल है। तो आप लोग ज़रूर बनाइए और मुझे बताइए कि आप लोग को मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसको मैं थोड़ी देर और पकाऊंगी, झांगा पूरा रेडी हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए मैं इसमें और पकाऊंगी। सारे भिंडी को, सारे झांगे को मैं इसी तरह रेडी करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, मेरा झांगा रेडी हो गया है। इसको भी मैं पलट दूंगी। देखिए कितना बेहतरीन बना हुआ है, और ये दाल चावल के साथ बहुत ही मस्त लगता है खाने में। और अभी हम लोग दाल चावल के साथ ही इसको खाएंगे। तो आप भी बनाइए, और इसी तरह मैं सारे भिंडी को, सारे झांगों को इसी तरह मैं कर लूँगी। और अब मैं इसको निकालूँगी। देखिए मेरा सारा रेडी हो गया है। देखिए कितना बेहतरीन दिख रहा है, और अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। इसमें जो सरसों, लहसुन और अमचूर का जो मिश्रण है, बहुत ही टेस्टी बना देता है इस झांगे को, और बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। भिंडी के सारे झांगों को मैं इस तरह से बना ली हूँ। मेरा ये भी रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। और ये बहुत ही कुरकुरे लगते हैं खाने में, दाल चावल से बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो मेरा सब बन के रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसको निकाल लेती हूँ।
सारे जंगों को मैं निकाल लेती हूँ। मेरा भिंडी झंगा बनके रेडी है और मैं इसको सर्विंग बाउल में ले चुकी हूँ। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जायका सिखा की रसोई को, और कमेंट ज़रूर दीजिए अच्छा है या ख़राब है, जो भी है आप लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।